हेलो भाई, मैं उन पवार, जैसा कि आपको पता है क्या सेल्टोज हो चुकी है वकाश पवार की। तो क्या कह रहे थे भाई आप, इसके बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, इसकी जिंदगी की कंप्लेंट्स कभी खत्म ही नहीं होती भाई। मैं कह रहा था कि तूने ये गाड़ी अब दे तो दी, अब मेरे को बलेनो में आदत थी कि उसके मिरर अपने आप फोल्ड हो जाते थे, ठीक है, बट इस गाड़ी के फोल्ड नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ, मेरे को ये हाथ से करने होते हैं इस तरीके से। अच्छा। और मुझे डर है कि मेरे हाथों में बहुत ज्यादा ताकत है, किसी दिन मेरे से टूट जाएंगे। अच्छा, तो इनको ऑटो फोल्ड करा दे तू। अब चल, तो पैसे फिर भेज दे भाई। कितने चाहिए, कितना चाहिए पैसा? बहुत ले थार, बता क्या क्या करवाना है, फिर बता दे। चल भाई, एक बाड़े सब आकाश कुछ कह रहा है। एक तो, अच्छा, और एक तो भाई इन डंडी सीन ना हटवा दे, कितनी गंदी लगे रियलिटी में यार, इनसे तो मैं खुद परेशान हूँ। एडजस्ट करने में तो गंदा लगे। हाँ। और एक ये चीज, अच्छा, मतलब तेरे को टॉप मॉडल बनानी है? बिल्कुल टॉप मॉडल एकदम। अच्छा, चलो भाई, आकाश ने ये फरमाइश रख दिया, तो भाई इतना कुछ कर रहे हैं अपने भाई के लिए, तो चलो एक और चीज करवा के ले आते हैं फिर इसको। हाँ, गाड़ी एक चीज और, टंकी खाली होगी, टंकी और फुर गला रही है। चलो भाई, दिल्ली चलते हैं। चल, दिल्ली जाने से पहले ना मेरे को सवालों का जवाब दे, तू पैसे तो दे नहीं रहा है। जो अपने भाई है कहाँ पे देख रहे हैं वीडियो? यूट्यूब पे। और तू शॉपिंग कहाँ से करता है? अमेजोन से। और जब मूवीज देखने की बारी हो तो? नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, जब तू इतनी यूएस कंपनीज अपना यूज करता है, इनकी सर्विसेज इतनी यूज करता है, तो इनमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है? लेकिन यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में तो बहुत सारे हिडन चार्जेस एंड कमीशन होता है ना, और स्टॉक्स भी एक्सपेंसिव रहते हैं ना। एक एक स्टॉक $1,000 का रहता है, आप ये सोचते होंगे ना। लेकिन भाई देखो, अगर आप मेरी तरह INDMoney मनी ऐप यूज करते हो तो आपको पता होगा दैट INDMoney मनी से आप यूएस स्टॉक फ्रैक्शन में बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और INDMoney मनी पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस भी नहीं है। अच्छा जी। जीरो कमीशन और जीरो ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सही है यार ये तो। और इतना ही नहीं है भाई आकाश, सभी के लिए एक गिफ्ट है यार। मैं सबको ना INDMoney मनी के साथ मिलकर एप्पल कंपनी के 250 रुपीज के शेयर बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे मिलेगा फिर? अरे भाई कुछ नहीं, बस डिस्क्रिप्शन लिंक से INDMoney मनी पे साइन अप करो, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो और एप्पल के फ्री शेयर मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर अगर आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से INDMoney मनी इंस्टॉल करते हो ना, तो अरुण एप्पल कोड साइन अप के टाइम डाल देना और आपको फ्री में एप्पल के शेयर मिल जाएंगे। और सुन भाई, जब आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करते हो ना, तो आपको 750 रुपीज का फ्री यूएस स्टॉक भी मिलेगा। सो देर मत करो, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और INDMoney मनी पर अभी साइन अप करो। ठीक है, कर ले भाई जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल अभी करता हूँ। दिल्ली पहुंच गए भाई मैं, यहाँ पे देखना है, यहाँ तो यार पेट्रोल डीजल की लाइन लगी रहती है, हमने तो कभी नहीं डलवाया ऐसे लाइन में लग के पेट्रोल डीजल। बताओ ले भाई आकाश, आपके लिए डलवा दिया है 4,228 रुपए का फ्यूल, डेली नहीं था इसके अंदर बिल्कुल भी, 4,250 का कर दो। तो यहाँ चुके हैं भाई हम लोग करोल बाग में, और अब मैं आपको मिलवाता हूँ निक्कू भाई, हमारे आकाश भाई की स्पेशल डिमांड है, उनको ऑटो फोल्ड मिरर चाहिए। आपने बहुत दिन हो गए कहते कहते कि भाई ये मैं करूंगा करूंगा, कब करोगे, कब आएगा? इसलिए तो बुलाया हूं, आज कर रहे हैं। अच्छा, हो गया प्रोसेस स्टार्ट। तो क्या क्या करना पड़ता है, कैसे होते हैं भाई ये? बेस मॉडल में ऐसा आता है, ऐसा आता है। हाँ, मिरर लगाते हैं, प्रत्येक मिरर दियो। इसमें क्या होता है, जो हम मिरर लगाएंगे इसमें आपका अपना इंडिकेटर वाला मिरर होगा। अच्छा, ठीक है, वो इंडिकेटर यहाँ पे आ जाएगा और ये चाबी से अनलॉक से लॉक से काम करेगा। और प्लस हम स्विच भी लगाएंगे इसका, जो अंदर से काम करेगा। स्विच बिना पैनल चेंज किए हुए, जब इसको फिनिशिंग देखना काट के। अच्छा, बात तो ये हुई थी, आपने कहा था कि मैं इसका पूरा गत्ता ही चेंज करूंगा, मतलब इसीलिए इतना टाइम लग गया कि ये गत्ता पूरा टॉप मॉडल वाला लगाएंगे। अब वो क्या हो गया, मैं मान लिया मैं गत्ता टॉप मॉडल वाला लगा देता एक गाड़ी में, आपकी गाड़ी ले जाके मैं गत्ता लिया था लगा देता। फिर कस्टमर का डिमांड आता, मुझे भी गत्ता चाहिए गत्ता चाहिए, तो ये किया कि सामान अभी इतना जल्दी इजी में मिलता नहीं है। अच्छा, दिक्कत होने लग गई। सबके लिए मैं दिखाऊंगा, लेकिन लगेगा फिनिशिंग से कि गत्ता ही पैनल ही चेंज है। लेकिन यही इसमें ही काट हो गया? हाँ बिल्कुल, लेकिन लगना नहीं चाहिए ना कि कटा हुआ है बिल्कुल, ऐसा हम दिखाएंगे कि पता चल जाएगा। चलो वो तो देखते हैं भाई, वक्त ओरिजिनल मिरर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ भाई, जो इस वाली बेस मॉडल में कलर आता है ना व्हाइट, वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो आप लगाना तो आप डिफरेंस देखोगे। ये नॉन मेटालिक कलर है, ये मेटालिक कलर है, तो आपको डिफरेंस लगता है। लेकिन जब आपका मिरर गंदा हो जाएगा ना, तो उस पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलता। तो एक बात बताओ, चलो अपनी तो व्हाइट होगी सेल्टोस, किसी की लाल है, नीली है, पीली है, पेंट हो जाता है, पेंट होता है उस पे। आता पीछे से कंपनी से ये व्हाइट ही है? कंपनी से हम लेते हैं तो सिर्फ ऐसी व्हाइट कलर के साथ आता है। अच्छा, कोई कलर नहीं, तो ब्लैक ब्लू कुछ नहीं आता इस पे। जैसे अदरवाइज दूसरी कलर की गाड़ी है तो हम पेंट हाथों हाथ करा के देते हैं। कितने ऑटो फोल्ड में कितना टाइम लग जाता है मिरर करने में? ऑटो फोल्ड मिरर फोल्ड करने में लमसम लगता है 2 घंटे। 2 घंटे। अच्छा, ये बात मेन बात बताओ, वायर कटिंग होती है कुछ? नहीं, आपको अभी सारे वीडियो में दिखाएंगे, पूरा कपलर टू कपलर होगा, वायर हम खुद बनाते हैं, कपलर टू कपलर होता है। अच्छा, बहुत लोग ये भी तो कहते हैं ना शायद इसमें मोटर लग जाती है। हाँ, ये मोटर लग जाती है। हाँ, जैसे आपको इसमें मोटर लगाना है, मोटर लग जाएगा, इंडिकेटर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, मोटर बाहर से रिपेयरिंग करके लगता है। तो मतलब अच्छा ऑप्शन यही है कि हम नया लगवा लो मिरर। और इसका क्या जुगाड़ करोगे भाई? ये तो जाएगा। अच्छा। या अगर आपको फेंडर चेंज करवाना तो फेंडर भी चेंज हो जाएगा।
अब जो ये ऑटोफॉल्ट मिरर हो रहा है ना भाई, इसके पीछे के मास्टरमाइंड हमारे सरदार जी हैं। कैसे हो भाई जी? बढ़िया। अपना नाम बताओ भाई पहले। मेरा नाम विक्की है। तो विक्की भाई ने मेरे से बहुत पहले कहा था कि अरुण भाई आपकी गाड़ी मेरे को, कमिटमेंट थी, पक्की कमिटमेंट थी। अरुण भाई ने बड़ी देर लगाई आने में। देर तो लग गई भाई थोड़ी सी ना। मेरे को बस यही था कि निको एन बोला था कि पूरा पैनल चेंज करूंगा। ये भी एक स्टोरी है अरुण भाई की गाड़ी में करने के लिए। हाँ समझ गए। मैं पहले करोल बाग नहीं काम करता था, मैं हूँ फ्रीलांसर। अच्छा। तो मैं फॉलो कर रहा था यूट्यूब, देख रहा था मैं किया सेल्टोस और क्रेटा को रेगुलर फॉलो कर रहा था। तो भाई मैं तुम्हारी वीडियो भी देखता था। हाँ हाँ। भाई बुरा तो मानना, तुमने बड़ी कॉन्फिडेंस है का। हाँ। के बिना काटे वायरिंग लग ही नहीं सकता हूँ आरबीएम, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी में लगवाया ही नहीं। अच्छा। ना कुछ अंदर से फील हुआ मैंने, कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना लगता हम लगाने वाले हैं। फिर मैं भाई अपने निक्कू के पास आया, मैंने कहा भाई मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, मैंने काम ऐसे, मेरा फ्रीलांसिंग काम है। तो मैंने, वो कहता चलो करो, मैंने उसकी बहुत सारी गाड़ियां लगाई पहले। हाँ। फिर वो सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ बिना का वायरिंग कटे लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने निक्कू आ गए भाई, अरुण भाई को बोला। अच्छा। मैं स्पेशल उसकी गाड़ी में लगाने आया हूँ। और आज वो दिन आ गया। यहाँ पे फाइनली भाई अपना ये नॉर्मल वाला शीशा उतर रहा है और यहाँ पे इसकी जगह लगेगा। दिखाना भाई वो नया वाला शीशा दिखाओ जरा, ये वाला शीशा अपना, जिसमें देखो इस तरीके की एक टिंबल बनाया। अच्छा। एक कपल तो भाई की वायरिंग आप अपनी बनाते हो खुद ही? पूरी कंप्लीट वायरिंग अपनी बनी, अपने डिजाइन की हुआ, सारा रिले वगैरह अपने खुद का बना हुआ। तो कोई कंप्लेंट नहीं आती इसमें? भगवान की कृपा, कोई कंप्लेंट नहीं आती है। अपना तो कुछ भी नहीं है। ना सही है भाई। यहाँ पे हट जाएगा अब ये डंडी जी, तो बुरी लगती है, बहुत गंदी लगती थी भाई ये विक्की भाई। सही ना, वो बहुत सारी वीडियो में देखा भी आपने, किसी भी गाड़ी का अपना इंटरव्यू दे किसी को भी दे, तुम बोलते थे कि हाँ ये रह गया भाई। बिल्कुल सही, पक्की बात है ना ये? बिल्कुल पक्की बात है। डंडी जी अजीब सी एक बहुत बार बोला तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था ना, ये जब भी मैं देखता था। जो काम हो सकता है, जो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम हो सकता है, वो नहीं हो पा रहा है गाड़ी में। भाई बस यही मेरे को बस तलाश थी विक्की जैसे भाई की, जो कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि मैं बढ़िया काम करूंगा 100%। ये देखो भाई ये कॉन्फिडेंस रहता है और यहाँ पे लग जाएगा एज इट इज उतर के, और कोई भी कस्टमर, चलो ये तो अरुण भाई है, कोई भी कस्टमर खड़ा होगे, सिर पे खड़ा होगे, एक एक चीज देख सकता है। हाँ। कैसे कनेक्शन कर रहा हूँ, कोई वायरिंग छेड़ रहा हूँ, काट रहा हूँ, कोई पील कर रहा हूँ, कुछ किसी भी तरह का कुछ भी नहीं होगा गाड़ी में 100%। ये आपकी वायरिंग उधर साइड कैसे जाती है, मतलब उस साइड, मतलब दूसरे शीशे की तरफ कैसे जाते हैं, कहाँ से लेके जाते हो? में से ही डैशबोर्ड के नीचे से ले जाते हो, ऐसे फास्ट कर देते हो? हाँ, तो ये वाली आप वही कर रहे हो जो ये वाली वायर है, वहाँ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल भाई ने पूरा सिस्टम बोल दिया है। पूरी ये वायरिंग पूरी प्रॉपर टेप की हुई है, ऐसी नहीं अलग अलग है, पूरी प्रॉपर वायरिंग बनी हुई है। अच्छा। इसके कनेक्शन हो जाएंगे बिना वायर काटे सारे। तो यहाँ पे कनेक्शन है, इसका फ्यूज बॉक्स है। अच्छा। यहाँ पे कनेक्शन हो जाएंगे सारे। एक बात और बताओ, जैसे हम गाड़ी कहीं बॉक्स कराए अंदर, जैसे कराई एक बार चला गया गलती से, गारंटी गारंटी है भाई की, गारंटी है, कोई तार हिलेगी नहीं, निकलेगी नहीं, पानी जैसे भाई चला गया हल्का सा। विक्की भाई ने दिल खुश कर दिया भाई जी एकदम, मतलब मजा आ गया। मैं यही कहता हूँ कि ना तार कोई खींच के निकाल सकता है। अच्छा। पता ही नहीं चलेगा कुछ इसमें अलग से हो रखा है, वायरिंग दिखेगी नहीं कहाँ जोड़ी है। अच्छा। अरे भाई बिना काटे पता, दिखा दूंगा आप वीडियो में, दिखा देना कोई बता दे। पक्की बात है, गारंटी है ये। बाकी ये भाई अपना डोर है, इसमें इसमें कटिंग होती है यहाँ पे, देखो मैं कर दू? ना ना आप रहने दो, सरदार जी करेंगे, वो बढ़िया तरीके से करते हैं। इसमें ही भाई यहीं के यहीं हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे भाई ऐसा कर देंगे कि अपना ये डोर है भाई। क्या हो गया? बिल्कुल। अरे दिखाना करके। अरे भाई ये देख लो पहली झलक आप अपने मिरर की है। ये चीज बलेनो में थी भाई, वो मैं बहुत मिस करता था, मतलब उसमें टॉप मॉडल था वो, तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला फीचर, तो बहुत मस्त, मतलब हवा जी भी इतनी लगती है जैसे शीशे बोलते हैं। कहीं से वायरिंग जुड़ी दिख रही है नीचे? देखो कुछ ही नहीं दिख रही भाई, यही तो भाई। अच्छी तरह क्लोजअप दिखा दो, लोग देखने वाले भाई, क्लोजअप दिख रहा है, क्लोजअप देख लो भाई, दिख रहा है ये यहाँ वायरिंग, यहाँ देखो यहाँ कुछ लग रहा है कि कहीं काटे, ऐसे लग रहा है कंपनी का ये सब कुछ, कुछ भी नहीं है, कोई भी फर्क ना बिल्कुल भी, जैसे पहले थी वैसी है, एज इट इज वायरिंग है। देखो भाई तुरंत जैसे ही भाई ने चाबी लगाई अपने आप खुल गए शीशे। ये स्विच भाई इससे होता है, अब इस स्विच को आप काट के उसमें फिट कर दोगे डोर में। पैनल दिखाते हैं, ये एडजस्टमेंट हो रही है। अच्छा। हाँ हाँ एडजस्टमेंट भी हो रही है भाई, अब हाथ से करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब ये स्विच कट के इसमें फिट हो जाएगा, अब वो देखना है भाई इसको कैसे खूबसूरती से करते हैं। सफाई से लगेगा, बहुत ही कम जगह है बिल्कुल। हाँ वही तो लगेगा ये, इसीलिए डिफरेंस ये क्रेटा का।
अच्छा ये क्रेटा का है, मतलब सेल्टोस क्रेटा का सेम होता है उसके, बस ये इसके रिंग के, इसका रिंग छोटा ही है। अच्छा अच्छा, तो इसमें फिट आता आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी कोई इसमें फंक्शनल और मतलब इसके सारे सॉकेट वगैरह कपलर वायरिंग सब सेम है। ये भाई सबसे बारीक काम, सफाई का काम बिल्कुल जो पता नहीं चले। ये देखिए भाई काट दिया, गोल किससे काटते हो इसको? रेती से। रेती से काट देते हो गोल? अरे वाह एक्सपर्टीज। अरे सही है, यहाँ पे देखना मस्त फिट हो जाएगा, गैप नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अरे कंपनी फिट सही लगेगा, काफी फिनिशिंग होगी, बाकी कंपनी का कंपनी होता है। हाँ भाई वो तो है, वो मशीन से कट रहा है एक बंदा, डाई में है, वो डाई में कटिंग है, वो बनी है प्रॉपर उसके लिए, अभी हाथ से कटा, लेकिन फिनिशिंग अच्छी आएगी, बहुत बढ़िया। मतलब जो बात करूंगा जेन्युइन बताऊंगा, जो भी है ये गलत कुछ नहीं बोल रहा। अब ये क्या लिया निकू भाई? ये जो होता है ना कि जो डंडी रहता है इसके लिए कैप नहीं आता, इसमें ट्विटर फिटिंग है। तो भैया पे मैं ट्विटर भी लगवा ली, क्योंकि इन स्पीकर से बेस तो एक नंबर आता है, लेकिन जब बात करते हो ना उसकी ट्रेबल की, तो वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो इसके लिए मैंने कहा भाई अब ये डंडी हटी रही थी, यहाँ पे आप लगा दो ट्विटर। इनकी सफाई देखो कितनी बढ़िया तरीके से, पता भी नहीं चलेगा कंपनी का। अरे कौन सी कंपनी के है? कार्बन का। कार्बन का और कोई मेन तो आज तक सुना नहीं भाई इसका। बढ़िया ट्विटर है, बढ़िया है, कोई अब दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? क्रॉस ओवर भी आता है, स्पीकर भी आता है। हाँ क्रॉस ओवर भी आता है। इसका इनपुट कहाँ से दोगे आप? इसका जो किया गया वायर आता है उस पर हम कपलर लगा के इसका इनपुट यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये ट्विटर का आ जाएगा। अच्छा, और ये स्पीकर का आ जाएगा। अच्छा, तो स्पीकर के साथ ही बजेगा। और आजकल 11:44 कितने लोग लेने लग गए हैं भाई, देखना फॉर्च्यूनर पे 11:44 वो खड़ी अपनी 11:43, अपने थार पे भी 11:44, क्रेटा पे भी 11:44, पता नहीं क्या ही चल रहा है। फिट भी कर दिया तो फिट हो गया क्या? अरे करने दे, मैं जब तैरूंगा। ओ भाई ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है, मस्त गोल वाला तो भाई ने एकदम फिट काट दिया। मैं जान रहा है इसमें पेज लगेंगे, पर भाई चिपकाने से चिपका रहे हैं इसे, वो बिल्कुल चिपकाने के बाद उखाड़ के दिखा दो। अच्छा हाँ, मैं यार पेज लगाएंगे वो बंद, अभी नहीं उखड़ेगा ये। और सरदार जी हो गया पूरा काम डन? बिल्कुल हो गया, जैसा आपसे वादा किया था कि आपके टॉप मॉडल के ORVMs लगा के देंगे। भाई निक्कू की दुकान पे ORVMs आपके लगा दिए हैं, दिखाओ एक बार भाई, जला के दिखाओ। बिल्कुल आप चेक कीजिए ये लो। अरे भाई वाह, ठीक है ना? ये आपको क्वालिटी वर्क मिलेगा भाई यहाँ पे निकू का। आपको चाबी सौंप रहे हैं आपकी गाड़ी की, थैंक यू सो मच भाई। और ठीक है सर, और कोई भी जैसे गाड़ी में जैसे फिनिशिंग जो हम स्विच के फिनिशिंग दिखाएंगे, और कोई भी गाड़ी हो, ये नहीं कि खाली सेल्टोस, जैसे क्रेटा और सेल्टोस कोई भी गाड़ी हो, i20 नई वाली हो, सारे अवेलेबल हमारे पास मिलेंगे। और पाजी फिटिंग करेंगे उसका, किसी भी तरह की वायरिंग नहीं कटेगी, पूरी गारंटी है, और अच्छी से अच्छी टॉप नॉच फिनिशिंग मिलेगी कटिंग की। कोई भी गाड़ी का सबके आपके पास ऑटो फोल्ड मिरर्स। हाँ, जैसे आप कोई पुरानी गाड़ी उनको कराना चाहते हो, तो उनके लिए 5-6 दिन का टाइम देना पड़ेगा। और देखा भाई आपने, जैसे अपने आप मतलब हमने गाड़ी खोली 30 सेकंड बाद लॉक हो जाती है गाड़ी, तो उसके साथ अपने आप फोल्ड हो जाएंगे। ये तो मस्त कर दे निकू भाई, मजा आ गया ना। अब बारी इनकी प्राइसिंग क्या है? देखिए मिरर फोल्डिंग सेल्टोस के दो तरीके का होता है। हाँ। एक होता है कि जैसे लाट का माल, जैसे उतरा हुआ पीस, सेकेंड हैंड पीस होता है, जो आजकल करोड़बाग में खूब दबा के बिक रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके का, हमारे पास भी अवेलेबल होता है। हाँ। जिनका बजट कम है उसकी कॉस्ट 13-14 हज़ार रुपए होता है। अच्छा, ठीक है, और जो नया डब्बा पैक जैसे मैंने लगाया हूँ, ठीक है, इसकी कॉस्ट 18 हज़ार रुपए करेगी पूरा फिटिंग वुटिंग करके। 18,000 विद फिटिंग आप इनको लगाते हो? हाँ, वायरिंग जैसे मेरा अपना वायरिंग सारा स्विच लगा के, और ऐसे स्विच लगा के जो मैं दिखाऊंगा, पहले तो इसमें क्या ब्रिजा का स्विच लगता था। अच्छा, आप ओरिजिनल स्विच लगना चाहते हो? अब क्रेटा का लगाए ना आपने, है ना? हाँ, ये दोनों सेम ही स्विच है, क्रेटा से। चलो भाई अब फिटिंग, मतलब जो भाई ने सफाई करी है उनकी, वो आपको सुबह दिखाता हूँ मॉर्निंग में कैसा आता है, प्लस आगे एक बार सुबह करते हैं। चलो भाई अब आ गया है अगला दिन, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए भाई, बहुत भाइयों ने पहले ही वीडियोस में नोटिस कर लिया था कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखना जैसे ही मैं अनलॉक करूंगा। तो देखिए दोनों तरफ के शीशे आप देख रहे हो, कैसा लगा भाई? मस्त है यार ये तो। और अंदर से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए भाई कैसी फिनिशिंग आ रही है यहाँ पे, टोटली आप देख लो, यहाँ से एडजस्ट होता है, और यहाँ से अपना स्विच होता है कि आपको लेफ्ट राइट स्विच करना, और यहाँ से अपना फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है। बाकी यहाँ पे वो डंडी वगैरह हुआ करती थी भाई यहाँ पे, और उधर साइड भी यहाँ पे देखिए मैंने ये ट्विटर लगवा लिया, और इनको लगवाने के बाद जो आवाज में फर्क आया ना भाई, वो एकदम बहुत मस्त हो गई है। इसकी भी सफाई आप देख सकते हो। तो हाँ, अब लगता है भाई एकदम प्रीमियम सी गाड़ी, अब टॉप मॉडल सी लगने लग जाती है। उसमें ना उस वाले को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आया करती थी। अब तूने मेरे को इनसे तो खुश कर दिया,
यहाँ पे तो इंडिकेटर तूने लगवा दिए, अब इन इंडिकेटर्स को हटवा दे। कोई नहीं भाई, हटवा दूंगा, टेंशन मत ले। लेकिन ना INDMoney मनी ऐप को जरूर से डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लियो, वहाँ पे अपना US स्टॉक अकाउंट फंड कर लेना, आपको 250 रुपीज का पर स्टॉक मिलेगा डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करके। कोड याद रखना अरुण एप्पल, INDMoney को ओवर 4 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं, इट इज द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। बाकी आप निकू कार्ड डेकोर पे किसी भी कार के ORVM जरूर से अपना चेंज करवा सकते हैं, आउट ऑफ वर्ल्ड करवा सकते हैं, और सरदार जी तो वहाँ पे एक नंबर है ही, एकदम बढ़िया उस्ताद है, वायरिंग के मामले में कुछ भी काम कर देते हैं। वीडियो देखने लगा धन्यवाद, थैंक यू सो मच।